ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा देने के बाद सियासत में हड़कंप मच गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बीच डील कराई। कौन है वो शख्स जिसने सिंधिया को 18 साल का कांग्रेस का साथ छोड़ने के लिए राजी किया। वो कौन है जिसकी मदद से सिंधिया की अब भगवा पार्टी में एंट्री होने जा रही है। ये सारे सवाल सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं और इन सवालों का बस एक ही जवाब है। मध्य प्रदेश में मचे सियासी हड़कंप के पीछे बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम का हाथ है। जफर ही वो शख्स हैं जिसने सिंधिया को कांग्रेस से नाता तोड़ बीजेपी खेमे में लाने में अहम भूमिका निभाई है। जफर इस्लाम वैसे तो मीडिया के लिए जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन टीवी चैनलों और डिबेट में वो हर रोज बीजेपी का बचाव करते हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक विदेशी बैंक में काम करते थे और लाखों की सैलरी पाते थे। हालांकि पीएम मोदी से प्रभावित होकर वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जफर इस्लाम और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। सिंधिया के दिल्ली स्थित घर पर भी जफर की मुलाकात हो चुकी है। हालांकि बीते 5 महीने से जफर और सिंधिया के बीच मुलाकात का सिलसिला बढ़ गया था। माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी ने अपना खेल शुरू किया था। सूत्र बताते हैं कि सिंधिया और जफर हाल में 5 बार मिले थे। जफर ने हर मीटिंग के मिनट्स भी बीजेपी हाईकमान को शेयर किए थे। गहन अध्ययन के बाद ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया था। सूत्रों की माने तो इस पूरे ऑपरेशन में बीजेपी की तरफ से सिर्फ लॉजिस्टिक और अन्य मदद की गई। पूरा ऑपरेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक ही चला। यहां तक कि सोमवार और मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के वक्त भी जफर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद थे। मंगलवार को जब गृह मंत्री अमित शाह ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे, तब उस समय भी जफर इस्लाम गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी में मौजूद थे। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।